हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। आज हम लोग समझेंगे कि प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। आज हम लोग रूट के बारे में जानेंगे, रूट के ऐसे पोर्शन के बारे में जानेंगे कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कराने में प्लांट की मदद करता है। तो वेलकम टू एजुकेशन अल्टीमेट, दिस इज़ विवेक हियर, लेट्स गो ऑन द टॉपिक। Today we are here to discuss about the water of absorption of water in plants. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं water की, कि water क्या है। आप सबको पता है कि water क्या है। Water के बारे में अगर मैं बताऊँ तो water जो है एक important component है हमारे protoplasm का। आप सबको पता है कि protoplasm जो होता है वो physical basis of life होता है। Without protoplasm no cell can be said as लिविंग सेल। किसी भी सेल को हम लिविंग सेल नहीं कह सकते अगर उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन में भी 90% हिस्सा किसका होता है, वाटर का होता है। प्रोटोप्लाज्म का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो उसका 90% पोर्शन, 90% हिस्सा जो है किसने बनाया हुआ है, वाटर ने बनाया हुआ है। इसके अलावा प्लांट्स में आप जानते हैं कि वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या बनाते हैं, फूड मटेरियल्स बनाते हैं। उन्हीं फूड मटेरियल्स को, उन फूड मटेरियल्स को बनाने की वजह से प्लांट प्रोड्यूसर कहलाते हैं। उन फूड मटेरियल्स को कंज्यूम करने वाले हम एनिमल्स कंज्यूमर कहलाते हैं। अगर ये वाटर ना रहे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे यानी प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे, प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे यानी कंज्यूमर नहीं रहेंगे, कंज्यूमर नहीं रहेंगे यानी डिकम्पोजर भी नहीं रहेंगे, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप समझ गए वाटर का इंपॉर्टेंस कितना है, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी चीज़, अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, हम एनिमल्स के लिए वाटर का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि वाटर जो है हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। वाटर जो है, हम भी लिविंग हैं तो हमारे भी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा जो है वाटर से मिलकर के बना हुआ है। इसके अलावा वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, खासकर एनिमल्स की बात करें तो उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अलग अलग तरह के न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो हैं, इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम, अलग अलग हिस्सों में पहुँचाने का काम जो है वो वाटर का होता है। तो वाटर के बारे में उम्मीद है आप सब पहले से जानते होंगे। आज थोड़ा और मैंने रिपीट कर दिया, रिकॉल कर दिया, आप सब पहले से जानते होंगे। आइए आज हम लोग समझते हैं कि प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। आप सबको पता है कि प्लांट में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू होता है। अब जो ये रूट है, आपने पढ़ा होगा कि दो अलग अलग तरह के रूट होते हैं प्लांट में। कौन कौन से, आपने एक तो पढ़ा होगा सिंपल टैप रूट, दूसरा आपने पढ़ा होगा फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट आपने पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो रूट है, पहले तो इनके फंक्शन की बात अगर कर ले तो रूट क्या होता है, बेसिकली आप जानते हैं कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। साथ साथ ये रूट जो है वो प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जमीन पे, सॉइल पे टिका रह सके। तो रूट जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एक्चुअली में रूट के ऊपर कुछ स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रूट हेयर्स। आज हम लोग उन्हीं रूट हेयर्स के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने रूट हेयर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर इस रूट हेयर के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पूरे के पूरे रूट हेयर्स में तीन अलग अलग जोन्स हैं, तीन अलग अलग एरिया हैं। पहला जोन ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन, एक ऐसा एरिया जहां सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, एक ऐसा एरिया जहां पे ये जो सेल सभी बने हैं वो बन रहे हैं। तीसरा जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन या जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये रूट हेयर्स हमेशा जैसे जैसे नए नए रूट डेवलप होते जाते हैं, उन नए नए रूट्स पर नए नए रूट हेयर्स डेवलप होते हैं, और एक्चुअल में यही रूट हेयर वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। रूट हेयर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। ठीक है, जैसे जैसे रूट्स डेवलप होती जाती हैं, मैच्योर होती जाती हैं, वैसे वैसे पुराने रूट हेयर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और नए रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता रहता है। रूट हेयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे कि रूट हेयर्स, चूँकि कंटिन्यूसली इसको सॉइल के बीच रहना होता है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों के बीच दबा रहना होता है, तो
यहाँ पर जो रीज़न है जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन, ये जोन ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर हमेशा, ये एपिकल रीजन है कह सकते हैं, प्लांट का एपिकल रीजन, जहाँ पर रूट का एपिकल रीजन, जहाँ पर नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर नए नए सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये नए नए सेल्स फॉर्मेशन करके इसी रूट हेयर के डेवलपमेंट में या रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये नए सेल्स जहाँ पर बनते हैं उस रीजन को हमने क्या बोला, जोन ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन। अब चूंकि ये रूट हेयर, प्लांट का जो रूट हेयर है वो सॉयल में, मिट्टी में दबा हुआ रहता है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों के बीच दबा हुआ रहता है, तो कहीं ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अगर ये डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, अगर ये नष्ट हो गया तो नए सेल्स बनेंगे ही नहीं, नए सेल्स नहीं बनेंगे, इसका मतलब कि रूट हेयर का डेवलपमेंट या रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस पोर्शन को बचाने के लिए एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैप, बिल्कुल इसके टिप रीजन पे प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैप। ये रूट कैप क्या करता है, जोन ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन को बचाता है ताकि ये सुरक्षित रहें और हमेशा नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करते रहें। इसके जस्ट ऊपर हम बढ़ेंगे तो सेकेंड जो रीज़न आता है हमारा, वो है जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। जो सेल्स इस रीजन में बने हुए हैं, जिनका फॉर्मेशन हुआ है, वही सेल्स अब अपनी साइज में क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। दोस्तों आप सब ने देखा होगा, हम पहले छोटे थे, फिर हमने धीरे धीरे अपनी साइज़ को इंक्रीज़ किया, हम पहले बहुत थोड़ा सा खाते थे, आज के डेट में हमारी डाइट जो है वो भी थोड़ी बढ़ गई है। सेम इसी तरह से ये जितने भी सेल्स हैं, ये पहले क्या थे, यहाँ पर इनका फॉर्मेशन हुआ, अब ये धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेकर के अपने साइज को इंक्रीज करना शुरू किए, यानी ये डेवलपमेंट अपना शुरू किए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलोंगेशन, और इस पूरे के पूरे रीजन को जहाँ ये सेल अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। जोन ऑफ सेल इलोंगेशन से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा तीसरा रीजन आता है जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन, या इसको एक और नाम दे सकते हैं जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। ये जो जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन या जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन है, चूंकि इनके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर जो सेल्स बने थे वो यहाँ इलोंगेट हुए, इलोंगेट होने के बाद वही सेल्स यहाँ पर अपने फाइनल पोस्चर को धारण कर लिए, यानी वो अपने फाइनल ऑर्गन में, अपने फाइनल स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट हो गए, उनका मेटामॉर्फोसिस हो गया, वो डेवलप हो गए और डेवलप होकर के अपने फाइनल स्ट्रक्चर को इन्होंने धारण कर लिया, इसलिए इस रीजन को हमने क्या बोला, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। तो ये जो रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, यही रूट हेयर एक्चुअली में क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, रूट कैप एक हार्ड स्ट्रक्चर जो जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन को क्या करता है, बचाता है ताकि ये सुरक्षित रहेगा, तो नए नए सेल्स बनते रहेंगे, नए नए सेल्स बनते रहेंगे तो रूट हेयर का डेवलपमेंट होता रहेगा। जो नए सेल्स बने जिस रीजन में, उसको हमने क्या बोला, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन के ऊपर ठीक जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, जहाँ पे जितने भी नए सेल्स बने थे उन्होंने अपनी साइज को इंक्रीज किया, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। यही जोन ऑफ सेल इलोंगेशन के ऊपर जब हम पढ़ेंगे जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन या जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, जिसको कि हमने क्या बोला, जो सेल्स यहाँ इलोंगेट हो रहे थे, फाइनल वहाँ पे इनका मेटामॉर्फोसिस हुआ, वो अपने फाइनल ऑर्गन, फाइनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। तो उम्मीद है आपको रूट हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग और ज़्यादा जानेंगे प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अगले वीडियो में मैं आपको वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट मैकेनिज्म, यू कैन से मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बोलते हुए आवाज़ अटक जाती है क्योंकि नया चैनल है अभी, बट कोई बात नहीं, हम भी ग्रो करेंगे सबकी तरह, हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, हम हंसी मजाक भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और हमारा चैनल भी एक दिन सक्सेस होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देखते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, किसी कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू, जय हिंद।